हाय स्टूडेंट्स, हमने क्लास थर्ड की, आज मैं 24 अप्रैल की आपको ऑनलाइन क्लास देने जा रही हूँ। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए गए हैं। आज हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है कि एक पोएम है उसे रीड करेंगे। एलिन फिशर ने लिखी है ये पोएम, इस पोएट का नाम है, तो ये है बर्ड टॉक। वी बर्ड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बात करते होंगे। थिंक सैड द रॉबिन। रॉबिन यहाँ पे ये वाला बर्ड है, रॉबिन और जे बर्ड्स के एक तरह के स्पीशीज़ का नाम है। थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जे। रॉबिन ने भी कहा सोचो, जे ने भी कहा सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, जब वो एक दिन गार्डन में बैठे आपस में बात कर रहे थे। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फैदर्स एट ऑल यू नो। रॉबिन कह रहा है कि जो लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनके ना तो पंख होते हैं हमारी तरह, तुम जानती हो वो कितना फनी है। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वो कह रहा है वो हमारी तरह कीड़े मकोड़े नहीं खाते, वो हमारी तरह उनके पंख नहीं उगते, और उनको तारों पर और चीज़ों पर बैठना भी पसंद नहीं है। थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जे, दोनों ने मिलकर यही बात कही। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। ये कितना अजीब लगता है बर्ड्स को कि लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं बिना किस पंख के, उनके ना फैदर्स होते हैं ना उनके विंग्स होते हैं, और वो उसी तरह ग्रो करते रहते हैं। तो ये काफ़ी छोटी सी पोएम थी आपकी, जिसमें बताया गया कि बर्ड्स हमारी दुनिया के बारे में कैसे सोचते होंगे, उनको ये दुनिया अजीब लगती होगी। तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कल के होमवर्क में दिए जाएंगे। टॉक टाइम और टीम टाइम, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो इनकी आज आपको पिक्चर सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप में, और ये आप खुद करेंगे। थैंक यू।